हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता इज गुड लाइफ। और मैं हूँ स्मिता। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सावन का महीना चल रहा है, तो बस सावन के महीने में ये मेरा पहला लाइफस्टाइल ब्लॉग है। एक ब्लॉग तो मैंने डाला ही था, बट वो पहले का था। तो चलिए, आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैं सुबह सुबह का समय था, सारा काम निपटा कर नहा ली थी, और नहाने के बाद अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। ये मेरी पूजा की तैयारी। और ये मैंने सोचा कि चलो सावन है, सावन में सब कोई ग्रीन ग्रीन पहनता है, मैं भी पहनती हूँ, तो बस मैंने ग्रीन ही पहन लिया था। तो बस ये कुर्ती था ग्रीन और दुपट्टा, और बस एक ट्रेडिशनल वे में मैं तैयार हुई थी कि चलो पूजा तो मैं हमेशा जनरली कोशिश करती हूँ कि सूट पहन के ही करूँ। और बस चलिए, हेलो एवरीवन, तो चलिए आप लोग से सामना हो गया। अब ये मेरी हो रही है पूजा की तैयारी। पहले मैं सारा चीज़ जो फूल बेलपत्र होता है, मैं उसे बस सारा चीज़ को प्लेट्स पे अरेंज करती हूँ। मैं डायरेक्टली पैकेट से नहीं चढ़ाती, जैसा कि मैंने शुरू से देखा है ऐसे होते हुए। तो बस वही मैं थाली लगा रही थी पूजा की, जिसमें मैं भोग का सामान लगा रख रही थी, दिया बाती लगा कर रख रही थी, घी का दिया, फिर रोली सिंदूर जो होता है, और एक थाली में मैं पूरा बेलपत्र और फूल वगैरह करके रखती हूँ। ये देखिए, मैं 11 बेलपत्र चढ़ाती हूँ पूरे सावन में शंकर जी को। तो बस वो मैं बेलपत्र को धोकर और उसके तीनों पत्तों पे मैं रोली लगा रही हूँ। रोली या चंदन कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो बस रोली लगा के और फिर मैं उसे चढ़ाऊँगी। तो बस ये हो रहा है यहाँ पर मेरा पूजा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आप सबको सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन में जनरली मैं तो बहुत ज़्यादा पूजा पहले नहीं करती थी, बट हाँ, मम्मी से मैंने यही सीखा है बहुत सालों से, शादी के बाद। इनफैक्ट हर सावन के पूरे महीने में मैं शंकर भगवान को, महादेव को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, सुबह पूजा करती हूँ। मैं हमेशा, मैं आपको बता दूँ, मैं डेली पूजा करूँ ना करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत पूजा करते हैं, तो वो ज़्यादातर वही कर लेते हैं, और नहीं करते हैं तो फिर मैं करती हूँ, तो इसलिए। लेकिन हाँ, ये सावन का जो महीना है, इसमें मैं हमेशा ये बेलपत्र चढ़ाती हूँ और पूजा करती हूँ। तो अभी बहुत लेट हो चुका है, आई थिंक इट्स 10:30, थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था, जल्दी जल्दी से पूजा किया, और मेड आ जाती है सवेरे, तो काम वाम जल्दी हो जाता है, तो वो निपटा के और जल्दी जल्दी से मैंने पूजा किया। और पूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ बुटीक। तो मैं सूट और ना दुपट्टा, मेरे से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कैरी करने में, और वो ऑर्गेंजा दुपट्टा है सूट का, आपने देखा। तो बस मैं ये कॉर्डसेट पहनने जा रही हूँ, और जल्दी से अब चेंज करूँगी और जाऊँगी बुटीक, क्योंकि आज थोड़ा काम है। तो चलिए, जैसे जैसे आगे बढ़ूँगी फिर आपसे। तो ये देखिए, पहन लिया मैंने, अभी मैं आपको फुल लुक दिखा। ये हिचकी क्यों आ रहा है इतना, मुझे पता नहीं। अच्छा, मैं पानी पी रही हूँ, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, पहले पानी पी लेती हूँ और बाहर फिर आपको मैं दिखाती हूँ इसका फुल लुक। तो ये मेरा फुल लुक है, देख लीजिए। ये कॉर्डसेट पहना है मैंने, और एक फ्लैट सा ऐसे ही डाल लिया है, स्लीपर सॉर्ट ऑफ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा हील्स नहीं पहन पाती हूँ, अगर पहनती भी हूँ तो थोड़ा सा वो जो प्लेटफॉर्म हील्स होता है ना, वो पहनती हूँ, या वेजेस पहनती हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक है। अब मैं जाऊँगी बुटीक, उसके पहले मैं नाश्ता कर लूँ। मैं क्या ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ आपको बता दिखा दे रही हूँ, और जल्दी से ब्रेकफास्ट करूँगी फिर बुटीक के लिए जाऊँगी।
और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। मैंने ग्रीन सूट भी पहना था पूजा के वक्त, और अभी मैंने कॉर्ड सेट भी ग्रीन ही निकाला क्योंकि सावन में लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन, और मेरे स्लीपर्स भी ग्रीन ही है मैंने जो फ्लैट्स पहना है। एनीवेज चलिए अब नाश्ता करती हूँ और फटाक से बुटीक जाती हूँ। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, ओट्स और दही में मैंने 7 सीड्स सबको सोक करके रखा है, तो मैं यही लूँगी ब्रेकफास्ट में। 7 सीड्स में वाटरमेलन सीड्स आ जाता है, चिया सीड्स आता है, फ्लैक्स सीड्स आ जाता है, मस्क मेलन सीड्स, फिर ब्लूबेरीज हुआ, एंड देन आलमंड्स, कैश्यूज, सारा मिलाकर मैं इसे रात में सोक करने को रख देती हूँ, और फिर दही के साथ दही एंड ओट्स, और फिर इसे अभी मैं ब्रेकफास्ट में लूँगी। तो चलिए मैं निकल गई बुटीक के लिए, और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, वेदर तो इतना अच्छा हो रखा है कि बताइए ये मत, बट बारिश नहीं हो रही है 10 डेज से यहाँ पटना में। ये देखिए बादल तो पूरा काला घना बादल है, बट बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो फिर मैं चली गई बुटीक, और बुटीक से डायरेक्टली हस्बैंड ने मुझे पिक किया, और फिर मैं चली गई डॉक्टर के यहाँ क्योंकि मेरा डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट था। थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे शोल्डर में, शोल्डर फ्रोजन शोल्डर। डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने बताया, जब मैं आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उस वक्त मैं डॉक्टर से मिलके आ चुकी थी, तो डॉक्टर ने बताया थोड़ा सा फ्रोजन शोल्डर है, तो बस एक्सरसाइज वगैरह बताया, कुछ मेडिसिंस दिए, तो बस हस्बैंड के साथ मैं वापस आ गई बुटीक से, सॉरी डॉक्टर के पास से, और बस डॉक्टर के पास से आके यहाँ पे बना रही हूँ चाय क्योंकि हो गई थी शाम और जीशु के सर भी आ गए थे। तो चलिए पहले चाय बना लेती हूँ, फिर आपसे देखिए आगे आगे क्या करती हूँ। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधी शाम में। अभी जैसा कि आपने देखा, सुबह पूजा किया, जल्दी से रेडी हुई, ब्रेकफास्ट किया, चली गई बुटीक, और बुटीक से डायरेक्टली मैं चली गई डॉक्टर के यहाँ। अभी थोड़ा सा आजकल मेरे को प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड ना शोल्डर, इनफैक्ट हैंड नहीं, शोल्डर में पेन रह रहा है, तो मैं डॉक्टर से दिखलाई थी, तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रोजन शोल्डर, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह बताया है, दवा दिया है, तो बस मैं अभी फ़िलहाल डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ, चेंज किया है, शाम की चाय बन रही है, और अब जिशु का फरमाइश है कुछ स्नैक्स बनाने के लिए। मेरे यहाँ रोज़ शाम का ये होता है, मम्मा क्या दोगी खाने के लिए, तो अभी मैं उसके लिए बनाऊंगी पिज्जा सैंडविच। ब्रेड पिज्जा तो आपने देखा होगा, पिज्जा भी आपने देखा होगा, मैं पिज्जा सैंडविच बनाऊंगी, मतलब वो इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेड पिज्जा, बट ऊपर से एक और ब्रेड डाल के मैं उसे फिर सैंडविच मेकर में डाल देती हूँ, कट कर देती हूँ, जिससे कि जीशु को खाने में आसानी होता है। तो बस अभी मैं उसके लिए वही पिज्जा सैंडविच बनाऊंगी, और मैं दिखाती हूँ उसका रेसिपी, और बहुत ही बढ़िया बनता है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं शाम की, उसके बाद आपको दिखाती हूँ पिज्जा सैंडविच। तो पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस पे जो डालते हैं फिलिंग्स, वो हम सारे चीज़ की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने फाइनली चॉप कर लिया था कैप्सिकम को, और ये है फाइनली चॉप्ड अनियंस और कॉर्न। जिशु को बस इतना ही पसंद है, तो बस मैं यही बनाती हूँ। आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको नॉनवेज खाते हैं तो आप इसमें चिकन भी ग्रिल करके कट करके डाल सकते हैं, बहुत ही यम बनता है। तो बस देखिए उसके बाद मैंने बहुत सारा पिज़्ज़ा सॉस दिया, और फिर मैंने दिया, ये मेयोनीज नहीं है, ये बीवा का चीज़ ड्रेसिंग है, जो कि वाइट चीज़ ड्रेसिंग, जो कि बहुत अच्छा इसे यमी सा फ्लेवर आता है। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगैनो, और बस कुछ नहीं, क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी आपको सॉस और जो चीज़ स्प्रेड है उसमें नमक होता है, तो अगर आप अलग से नमक ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बस इसी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छा मिक्स करना है, और बिल्कुल बिल्कुल मतलब मार्केट का पिज़्ज़ा भी इसके सामने फेल है, मैं सच बता रही हूँ। मैंने बहुत लोगों को बना के खिलाया है, बट अभी तक मैंने ये आप लोगों से ये रेसिपी शेयर नहीं किया था,
तो मैंने सोचा कि ये बहुत जल्दी से झटपट से बन जाने वाला स्नैक है, तो क्यों ना मैं आज आप लोगों से शेयर करूं। तो क्योंकि जीशु को तो डेली चाहिए कुछ ना कुछ, तो बस मैंने सोचा आज ये बनाती हूं तो आप लोग से भी शेयर करूं। बस उसके लिए मैंने ब्रेड ले लिया और ये जो पूरा तैयार किया था मिक्सचर वो मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया। इसी तरह से आपको दोनों ब्रेड पे इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ खाते हैं तो आप इस पर चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या फिर ऊपर से चीज़ का जो ये आता है स्लाइस आता है वो भी डाल सकते हैं। बट इसमें ऑलरेडी चीज़ ही वो डाला था मैंने ना ड्रेसिंग, तो मैंने नहीं डाला था अलग से चीज़। और मैंने क्या किया, डायरेक्टली जो सैंडविच ग्रिल है उसी में ही मैंने बटर वो लगा दिया, तो और जो बचा वो ब्रेड के ऊपर। ऊपर से तो आपने देखा कि मैंने ड्रेस वो जो था मिक्सचर के ऊपर हमने एक और ब्रेड डाल दिया, तो ये बन गया सैंडविच। अगर मैं ऐसे ही उसे बना देती तवा पे ढक के तो वो पिज़्ज़ा ब्रेड बन जाता, सॉरी ब्रेड पिज़्ज़ा बन जाता, और ऐसे बनाया तो ये पिज़्ज़ा सैंडविच बन गया, जो कि यीशु को खाने में ईजी भी होता है और बहुत यम, और टेस्ट तो बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला ही आता है। तो ये देखिए गर्मा गर्म मैंने बना लिया पिज़्ज़ा सैंडविच, और ये जीशु को बहुत ही पसंद। इनफैक्ट हम लोग के घर में सबको पसंद है, मैं भी खाती हूँ, हस्बैंड को भी पसंद है, भाई है छोटा मेरा उसे भी बहुत पसंद है, मतलब सबको अच्छा लगता है। और इसे आप देखिए बस आप अच्छे से सर्व कर दीजिए। मैं पिज़्ज़ा कटर से उसे बस एक सैंडविच के शेप में कट कर ले रही हूँ, और फिर इसे मैं जीशु को सॉस के साथ दे दूँगी। और उसे तो इसे मिलने के बाद सब्र ही नहीं होता, जैसे कि मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में कहा है कि जीशु ज़्यादा जंक फूड नहीं खाता है, ना बर्गर खाता है, ना मोमोज़ खाता है, ना नूडल्स खाता है, कुछ भी नहीं, बट एक चीज़ उसे बहुत पसंद है और वो है पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा के लिए तो वो खैर बहुत ही ज़्यादा ये रहता है, हर समय रेडी रहता है खाने को। तो बस मैंने पिज़्ज़ा सैंडविच इस तरह से बना दिया, और ये देखिए इसका फिलिंग कितना बढ़िया, इतना अच्छा सा सैंडविच बन गया था। मैंने बोला तो कि कैफ़े में भी आपको इस तरह के सैंडविचेस नहीं मिलेगी जितना अच्छा इसका टेस्ट आता है, एक बार आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस सॉस डाल के और ये मैंने दे दिया जीशु को। ब्रेड पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा सैंडविच है ना, ये ओपन रहता तो ये हो जाता पिज़्ज़ा, ब्रेड पिज़्ज़ा, और ये ऊपर से कवर हो गया सैंडविच की तरह, तो हो गया पिज़्ज़ा सैंडविच है ना। थोड़ा ठंडा होने दो जीशु, माने कि तुमको इतना पसंद है, अभी जस्ट निकाले हैं, मुँह जला ना, जल गया ना, हाँ तो थोड़ा रुको ना, रुक कर खाओ थोड़ा सा। चलो, और ये देखिए ओल्ड सॉन्ग्स म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो बस मैं गाने सुन रही थी एंड जीशु वाज इंजॉइंग पिज़्ज़ा। थोड़ा सा अभी उसका शाम का क्या कहते हैं उसको, ब्रेक लिया था है ना, इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अभी ट्यूशन वाले सर आए हुए थे, अभी वो पढ़ा है, थोड़ा सा बैठ के ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं, तो सोचा चलो। और हर शाम का इसका यही रहता है, क्या खा दोगी मम्मा, क्या दोगी क्या दोगी, तो चलो इसका फेवरेट है तो मैंने बना दिया। और एग्जाम्स टाइम में बच्चों को थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ता है ना जीशु। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर हाँ प्लीज़ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो उसे प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और पहले बीच में तो मैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा रेगुलर एकदम रेगुलर हुई थी, फिर इधर थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो जा रहा है वीडियोस में, बट कोशिश करूँगी क्योंकि अभी तो सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनेंगे। तो अगर एक छोटी सी कोशिश की है, एक नया रेसिपी शेयर किया है आपसे, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, और आप लोगों का एक लाइक ना या कॉमेंट ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है हम लोगों को। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।